हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय मैम पब्लिक स्कूल सिक्स क्लास। आज आपका टर्न है हिंदी का, तो निकालिए अपनी व्याकरण संचय। बच्चों पेज नंबर 17 ओपन कीजिए और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। चैप्टर हमारा 4 है, ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ व्यक्ति, प्राणी, राम, सरदार पटेल, कामनी, स्त्री, पशु, बालक, पक्षी आदि। वस्तु, स्थान का नाम है मुंबई, दिल्ली, मैदान, गांव, विद्यालय आदि। वस्तु जो होती है दूध, पानी, फल, पुस्तक, रेलगाड़ी आदि। भाव होते हैं सच्चाई, चौड़ाई, पशुता, झूठ, प्रेम आदि। संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिस संज्ञा पद से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे श्री राम, सचिन, चेतक, हिमालय, गंगा आदि। जातिवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? जिन संज्ञा पद से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा, चिड़िया, पर्वत, पुस्तक, मंदिर, सुनार, फल आदि। भाववाचक संज्ञा कौन से होते हैं? जिन संज्ञा पदों से पदार्थ के धर्म, गुण, दोष अथवा भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये गुण, दोष, भाव, धर्म आदि प्राय अमूर्त होते हैं, जैसे पढ़ाई, सुंदरता, बुढ़ापा, कुशल, धैर्य आदि। यहाँ पढ़ाई धर्म है, सुंदरता, कुशल, धैर्य गुण है तथा बुढ़ापा अवस्था है। विशेष, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दो भेद और मानते हैं। अधिकांश विद्वान इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही करते हैं। इनके संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि समुदायवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक होते हैं उन्हें समूह या समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, दल, टोली, कक्षा, सभा, झुंड आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, अन्न आदि। कुछ नेक्स्ट पेज निकालिए। संज्ञा के कार्य, संज्ञा के कार्य क्या होते हैं? वाक्य में संज्ञा पद कर्ता, कर्म, पूरक, करण, अपादान, अधिकरण आदि कई कार्य करता है, जैसे सोहन सो रहा है, वो क्या कर रहा है? करता है। वह पानी पी रहा है, तो ये क्या है? कर्म है। रामू विद्यार्थी है, तो ये क्या है? पूरक। उसने चाकू से सेब काटा, तो क्या करा? करण। भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण क्रिया और अव्यय से बनी होती है। तो बच्चों ये कुछ जातिवाचक है, फिर इनके कुछ भाववाचक है, फिर ये सर्वनाम है, ये भाववाचक दे रखे हैं, फिर विश्लेषण दे रखे हैं, तो उनके भी भाववाचक दे रखे हैं। ओके बच्चों, इसी तरह से क्रिया है, क्रिया के भाववाचक है, जैसे कि क्रिया क्या हो रही है? कहना। और भाववाचक क्या है? कहावत। घबराना भाववाचक, घबराहट। चलना तो भाववाचक होगा इसकी चाल। इसी तरह से अव्यय होती है शाबाश, तो भाववाचक क्या होगा? शाबाशी। दूर, दूरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, निकट, निकटता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है और इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।